नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश कुमार और आप देख रहे हैं लाइट वेव। मैं तो बहुत अच्छा हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोग जान रहे हैं कि अभी हम लोग कुछ दिनों से खोटा कविताओं को कंटिन्यू कर रहे हैं और कुछ कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो हम लोग का चल रहा है वो संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया किताब है एक मुनि फूल, उसी के कविताओं को हम लोग रोज़ाना एक एक करके पढ़ रहे हैं और कुछ कुछ नया सीखने को मिल रहा है। मैं हम लोग को ये सीखने को मिल रहा है कि हम लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारे बच्चे हम लोग जो पढ़ लिख लिए हैं थोड़ा सा, तो उससे क्या है कि कहीं ना कहीं हिंदी और इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा सीख लिए लेकिन खोटा को भूलते गए। तो कहीं ना कहीं अभी हम लोग को थोड़ा सा दरकार है ये चीज़ सीखने का, खोटा हम लोग भूले नहीं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा ये बहुत ही पुराना भाषा है। तो आइए चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। इस किताब का जो कविता है वो है सरस्वती माएँ घर हैं। तो इसमें देखिए क्या है, श्री सरस्वती माएँ घर हैं, साभिन भावे जमा होए टोंगरी धारें, नाथ भावे हाथ जोड़ी करिए ध्यान, तह तोहरे कृपा खातिर खातिर भगवान, सभी भाई बहन करिए स्तुति गान। देखिए यहाँ पे क्या है कि सरस्वती माँ का पूजा हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे हो रहा है, सभी जमा हुए हैं टोंगरी धारे, कोई पहाड़ी है वहीं पे सब जमा हुए हैं, ठीक है। नत भवे हाथ जोड़े, माथा झुका रहे हैं, नत मतलब माथा झुकाना और हाथ जोड़ रहे हैं, सर कर रहे हैं सब ध्यान, ठीक है। और तोहरे कृपा खातिर भगवान, आपके ही कृपा के लिए भगवान, सभी भाई बहन करिए स्तुति गान, और जितने भी भाई बहन हैं सब मिलकर स्तुति गान कर रहे हैं, किसका, तो सरस्वती माता का। आगे देखिए, स्तुतिगान कुसंस्कार दूर करिए महान, ठीक है। तो कुसंस्कार दूर मतलब कि जो गलत चीज़ें हैं हम लोग के अंदर उसे आप दूर कीजिए, ठीक है। ये जो है कुसंस्कार मतलब जो हमारा गलत भावना है वो सबको दूर कीजिए, ठीक है। मांगे बर गुरु चेला मिल चेला चेली मिली, रात रहिए अपन कर्म जैसे न भूले। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मांगिए, मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, तो वर मांग रहे हैं, ठीक है, वर मांग रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि हमारी ये इच्छा जो है वो पूरी हो जाए। कौन कौन है, तो गुरु भी हैं, चेला चेली मिलके मतलब छात्र छात्राएं भी मिल करके सब क्या कर रहे हैं, ये वरदान मांग रहे हैं, ठीक है। रात रहिए अपन कर्म जैसे ना भूले, और हर समय अपना कर्म में रहें जैसे हम लोग भूल ना जाएं, ठीक है। आगे है, माने रखिए तोहरे ध्यान, हर समय जैसे मिले ज्ञान, तोहरे प्रेरणाएं बाजे दोसर घंटी, सभी जाए अठार भागे बाटे, अठारह भागे बांटी, हमने काम हवे सब समय रूटीन अनुसारे, यादव जी के जखन जैसन अडार अनुसारे। तो देखिए जैसे मन में रखते हैं आप ही का ध्यान, ठीक है, मने रखे तोहरे ध्यान, मन में रखते हैं सरस्वती माँ का ध्यान, हर समय जैसे मिले ज्ञान, और हर समय हम लोग को कुछ ना कुछ ज्ञान मिले क्योंकि ज्ञान की देवी जो है वो तो सरस्वती माँ ही है, ठीक है। तोहरे प्रेरणाएँ बाजे दोसर घंटी, और आपका ही प्रेरणाएँ मिल रहा है हम लोग को, ठीक है। सभी जाए अठारह भागे बांटे, और सब जो है अठारह भागों में बांट जाइए, ठीक है। हमने काम हवे सबे समय रूटीन अनुसार हैं, यादव जी के जखन जैसन अडार अनुसार हैं, ठीक है। तो हम लोग को जो काम जो है सब रूटीन अनुसार हो रहा है, टाइम टू टाइम हो रहा है, ठीक है। जिस तरह से यादव जी का काम होता है उस तरह से, जैसे यादव जी का कहने का मतलब क्या है, यादव जी के टाइम पे अपना गाय बैल को खेलना खोलना, टाइम पे अपना दूध वगैरह फिर दूहना गाय से, तो ये सब क्या है वो अपने टाइमिंग के अनुसार करते हैं। उसी तरह से छात्र छात्राएं का भी अपना पढ़ाई लिखाई जो होता है वो टाइमिंग के अनुसार होता है। आगे है, कखनो कखनो हाई जाए रचिक चूक, प्रथम घंटे बजेते तनकी टूक, ध्यान देखथिन साभिन आपन कर्मे, नाही हवयक भूल ई विद्या धामे, ध्यान रहे के सब समय अनुशासने, पढ़ा सुना हवेक सातों घंटी, कखनो कखनो हो जाए विशेष छुट्टी। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कखनो कखनो हो जाए रचिक चूक, रचिक मतलब क्या होता है, छोटी मोटी गलती, ठीक है, रचिक छोटी मोटी गलती हो जाती है, प्रथम घंटे बजते तनिक टूक और तुरंत प्रथम घंटे लगता है, ध्यान देते हैं सभी अपन अपन कर्म है, जितने लोग हैं सब ध्यान देते हैं अपने अपने कामों में, ठीक है, ना ही हवेक भूल ई विद्या धामे,
और सब अपना पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए, और ये विद्याधाम जिस स्कूल में बैठे हैं वहाँ पे भूल चूक आप लोगों से ना हो। ध्यान रहे सब समय अनुशासने, पढ़ा सुना हो एक तालो सातों घंटे, ठीक है। सबको अपना ध्यान रखना है, अपना अनुशासन में रहना है, ठीक है। और पढ़ा सुना 7 घंटे, जैसे कोई भी स्कूल में दिखेगा अब 9 बजे से स्टार्ट होता है स्कूल और 3 या 4 बजे तक चलता है, तो 7 घंटे में पढ़ाई होता है, ठीक है। कखनो कखनो हो जाए विशेष छुट्टी, और कभी कभी होता है कि विशेष छुट्टी जैसे कोई कारणवश कोई फेस्टिवल वगैरह रहा तो उस टाइम क्या करना पड़ता है, छुट्टी करना पड़ता है। दामोदर नदी नदी टुंगरी धारे घाटी मांझे कृपा करल करण धारे निशान बनावला करे विद्यादान हामिन खातिर भय गेल महान। देखिए दामोदर नदी के टुंगरी दामोदर के नदी जो टीला ढीपा करघा वगैरह है, ठीक है। घाटी मांझे कृपा करला करण धारे निशान बनौला करे विद्यादान, ठीक है। तो घाटी के मांझे जो है वहीं पे समझिए कोई स्कूल वगैरह है, और सब वहाँ पे अपना विद्यादान के लिए ये कर रहा है, हम इन खातिर भय गेल महान। और मन के चलिए विद्यादान जो जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, विद्यादान हो रहा है, जो छात्र सब बैठ के पढ़ रहे हैं, तो जो पढ़ेगा तो महान तो हो गई। आगे है इस संसारे नखे किचु साभिन दौड़ा बेकार मायक पिछु कुछ क्यों न ले जाते ललचाई के न किछु पड़ता, ठीक। देखिए जैसे ये संसार में जो है ना कुछ नहीं है, ठीक है, और सब लोग दौड़ रहा है किसके पीछे दौड़ रहा है, तो माया के पीछे। एक माया एक इमेजिनरी है जिसके पीछे लोग क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक है। कुछ कुछ ना ले जाता, और कुछ नहीं यहाँ से ले जाइएगा, आप कितनों ही दुनिया में भाग रहे हैं ना, आप यहाँ से कुछ नहीं ले जाइएगा, ठीक है। ललचाई के मन न किछु पड़ता, और आपको जो है मन ललचाने के सब और कुछ मिलने वाला नहीं है, बस लालच ही होगा। चक्का चौंध में नाय पड़क चाहिए नम्रव भावे भजन कर प्रभुक दुनिया माही दर्शन उनकर हवा मुश्किल बड़ी रात रात रहा नाम जपा सभिन सब घड़ी पूरा करता सभे के मनोवांछा भगवान रात दिन हमिन कर इनका ध्यान। देखिए क्या चक्का चौंध नहीं पढ़क चाहिए, मतलब आप आश्चर्य मत पढ़िए, ठीक है। नम्र भावे भजन करा, और क्या क्या मतलब भजन वगैरह किए दुनिया में, ठीक है। किसका, तो सरस्वती माता का दर्शन उनका होता है, मान उनका जो है दर्शन करना मुश्किल होता है, ठीक है। रात रहा नाम जपा सभिन सब घड़ी, रात में रहिए, जब सरस्वती माँ का पूजा होता है तो रात में रहिए, नाम जपिए हर समय, ठीक है। पूरा करता सभे के मनोवांछा भगवान, और जो आपका मन में जो आपका विश है जो मांगना चाह रहे हैं वो आपको भगवान पूरा करेंगे। रात दिन हमन कर इनका ध्यान, और रात और दिन जो है सरस्वती माता का ध्यान करना चाहिए। तो ये कविता जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है दोस्तों, और बहुत ही मज़ेदार कविता है, आप लोग भी पढ़िए। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।